आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीपिक्सल एआई फोटो इन्हेंसर एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोटो की लो क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक इसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.0 की रेटिंग मिली हुई है। ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद हम इस ऐप के होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर ये ऐड आ जाएगा। इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। अभी देखो, ऐड कट करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्किप पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर इनहेंस का। इनहेंस का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक किया है तो जो भी क्वालिटी है उससे बेहतर क्वालिटी आपको ये कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद यहाँ पर कलर पॉप दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कलर को आप पॉप कर सकते हैं, यानी ग्रेइंग कर सकते हैं। जो भी फ़ोटो हो उसको ग्रे कलर में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है उसको आप कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर यानी आपके पास कोई फ़ोटो है जो जिसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है या फिर ऐसा हो गया है कि रखे रखे वो ख़राब हो चुका है, तो आप उसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर और भी सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, आपको बहुत सारे टैंपलेट मिल जाएगा, ठीक है। ये सब टैंपलेट हैं अलग अलग तरीके के एडिटिंग के, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है आपको जो भी टैंपलेट यूज़ करना है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये तरीके बताएगा किस टाइप के फ़ोटो को यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, गोट इट पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ पे क्लिक करना है, ग्रांट पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। अब अपनी गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो जैसे मान लो मैं अभी के लिए ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ अपना और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करें, प्रो इन्हेंस के लिए आप इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। वॉच इन्हेंस पे आपको एक ऐड देखना पड़ेगा और इस ऐड को देखने के बाद आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो अभी ऐड फिनिश हो चुका है, ऐड को कट करते हैं और अभी देखो हमारा फ़ोटो जो है वो चेंज हो चुका है, यानी पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका है। यानी देखो यहाँ एडिट हो गई इस तरह, पहले फ़ोटो इस तरह से और एडिट होने के बाद इस तरह है। बस सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो फिर एक ऐड दिखाएगा और उसके बाद हमारा ये वीडियो से हमारा फ़ोटो ये सेव हो जाएगा गैलरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड का ये ऐड है, इस ऐड को हम लोग स्किप करते हैं इस तरह से और यहाँ से हम इसको फिर से कट कर देंगे 10 सेकेंड वेट करने के बाद। ओके, यहाँ पर हम फिर से इसको कट कर दिए, 3, 2, 1। ओके, यहाँ पर हमने कट किया इसको, एक बार और कट करने का ऑप्शन देगा और फिर से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं हमको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस ऐप को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसका बिना ऐड का देखना चाहते हैं तो आप इसको इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके फ्री ये यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद आपका ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।